हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंड्रॉय पाठशाला में। तो दोस्तों, ग्रामीण कौशल विकास मिशन एक फॉर्म आया है जिस पे मुझे कुछ लोगों ने कमेंट कर बताया है कि सर, ये मुझे पता चला है कि ये फॉर्म फेक है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे बताने आया हूँ कि ये फॉर्म फेक है या रियल। तो बस इसमें मैं अपना एक राय देने आया हूँ, तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है ग्रामीण कौशल विकास मिशन, ये फेक है या रियल, मैं आपको कंफर्म तो नहीं बता सकता। या आई थिंक वो लोग जो यूट्यूब पर फेक बताकर वीडियो बनाए हैं, बिकॉज वो सब भी अनुमान या कुछ शक के कारण ऐसा बताए हैं, लेकिन वो किसी प्रकार के प्रूफ या रीजन अभी तक नहीं बता पाए। सो दोस्तों, जब आई थिंक 2 लाख से अधिक फॉर्म डला चुका है, तो आपको भी डाल देनी चाहिए, क्योंकि इस बेरोजगारी मौसम में ना तो ज़्यादा कोई वैकेंसी आ रही है, और आ रही है तो लोग इसे फेक बता रहे हैं। तो दोस्तों, चलो आप एक बार फेक ही मान लो, बट भरने में क्या हो रहा है, इस फॉर्म के लिए कोई एग्ज़ाम भी नहीं देना, क्योंकि ये फॉर्म मेरी लिस्ट पर है और आपको मनी 40-40 रुपये के 2 स्टाम्प पेपर के रूप में देना होगा। और जब इसको फॉर्म को पोस्ट कीजिएगा स्पीच पोस्ट, तो आपको 40 रुपया वहाँ पेड करना होगा, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी फॉर्म को फिल किया हूँ, तो मुझे पता है कि 40-40 का 2 स्टाम्प लग रही है, और जो स्पीच पोस्ट मैंने किया तो उसमें भी मुझे 42 रुपया पेमेंट करने पड़ा है। बस ये फॉर्म भरा हूँ यह सोचकर कि कुछ ना से अच्छा कुछ तो अच्छा है। अगर ये फॉर्म रियल रहा तो मैं इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा, तो मेरा मेरिट लिस्ट आएगा, वरना नहीं आ पाएगा। बस मैं यही कहना चाहता हूं कि जब कोई पोस्ट आया है या जब कोई फॉर्म आया है, उसका पूरा प्रूफ के साथ फेक बताया जाए तो आप मत भरो, बट अफवाह पर मत जाओ, बिकॉज अभी गवर्नमेंट जॉब की बहुत मारामारी है। पता चले कि बाद में कि मैं फेक समझकर नहीं भरा और कल इसका पोस्टिंग लोगों को दिया जा रहा है। सो ये पछतावा मत करो और किसी प्रकार का रिस्क मत लो। जो जो वैकेंसी जिसके क्वालिफिकेशन के अनुसार आता है, उसे भरो। और हाँ, भरने से पहले देखना जरूरी है कि ये रियल है या फेक है। अगर फेक पता चले तो बिल्कुल भी मत भरो। बस दोस्तों, यही मैं बताने आया हूँ, क्योंकि मैंने देखा 2 से 3 वीडियो जो फेक बताया, लेकिन कोई प्रूफ नहीं दिया। सो मैं ये वीडियो बनाया हूँ, मैं दोनों बात बोल रहा हूँ। अगर आपको किसी वैकेंसी या किसी पोस्ट का फेक का प्रूफ मिले या कोई ऑफिशियल नोटिस पता चले कि ये फेक है, तो आप बिल्कुल भी उस फॉर्म को मत भरो। बट फेक का प्रूफ नहीं हो तो भर दो, क्योंकि आपका लाइफ कहीं यही वैकेंसी में हो। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो मैंने आप अपने तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ कि आप फेक या रियल पे ध्यान मत दीजिए। जो वैकेंसी आया है वो आप के अनुसार क्वालिफिकेशन है, तो उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, उस पोस्ट को अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको किसी प्रकार से प्रूफ के साथ पता चले या ऑफिशियली पता चल जाए कि ये फेक है, तो प्लीज़ आप उसे मत भरिएगा और अफवाहों से आप बच कर रहिएगा, क्योंकि अफवाह तो लोग बहुत फैलाते हैं। तो दोस्तों, ये था वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कर बताइएगा, और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी तरह का अपडेटेड न्यूज़ या किसी बार गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारी बातें जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाएगी। और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों साथ, ताकि उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। ओके, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक कर दें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब कर दें, और उसके बगल का जो बेल आइकन होते हैं उसे क्लिक कर दें, जिससे कि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो डायरेक्ट मिल जाएगी। Storms we chase are leading us.